मेरी बात सुनो। बताओ सकी और रिमसी का खजाना कहाँ है? मुझे बताओ वो कहाँ है, वक्त नहीं है मेरे पास। पागल हो गई हो क्या? हालत देखो मेरी, भूख से मेरी हालत निढाल है यहाँ। अगर मेरे पास खजाना होता तो यहाँ नहीं होती, मैं मियामी में होती। अच्छा तो मियामी में होती तुम? रिमसी वैसे भी बाहर आ गया है और दगान के बेटों ने उसे रिहा होते ही पकड़ लिया, वो उसे गाड़ी में बिठा कर ले गए हैं। उनका मसला क्या है? दगान और रिमसी एक वक्त में साथ काम किया करते थे, उन्होंने बहुत पैसा और सोना चुराया और फिर वो पैसा गायब हो गया। रिमसी ने वो सोना और पैसा अपने पार्टनर से भी चुरा लिया। फिर वो दोनों जेल चले गए और चंद ही माह पहले दगान भी रिहा हो गया और अब वो रिमसी के पीछे पड़ा हुआ है। रिहा होते ही रिमसी को वो ले गया। अभी उसने एक मैसेज भेजा है, खजाने को ढूंढो ताकि किसी और के हाथ न लगे, अगर हिफाजत नहीं कर पाए तो वो हमें आग लगा देगा। हाँ मेरी जिंदगी में गुमशुदा खजाने की एक कमी रह गई थी ना। निकल जाओ यहाँ से, मुझे किसी मुसीबत में मत डालो, जाओ यहाँ से। जरा ये तो बताओ, पैसे नहीं थे तो इतने सालों मुझे कैसे देती रही? अब तक जो मैं तुम्हें पैसे देती आ रही हूँ मेरे सखी से बटोरे थे। दुआ करती हूँ कि वो जो भी आदमी है तुम्हारी जिंदगी बदतर करते, जीना हराम करते। निकलो यहाँ से, परेशान मत करो। मुझे यहाँ रहने का वैसे भी शौक नहीं, और बात सुनो, इस घर से निकलने की हिम्मत मत करना। हेलो जफर, क्या तुमने सुना क्या हुआ? हाँ मैंने सुना है भाभी, मैं फार्म जा रहा हूँ, हमें आरजू साहिबा को महफूज रखना होगा, वो पहले वहीं जाएंगे। आप भी गायब हो जाए, वो मुंह खुलवाने के लिए आपका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही बेरहम है वो लोग। और भाभी अगर हम खजाना खो देते हैं तो बॉस हमें नहीं छोड़ेगा। आखिर ये खजाना है कहाँ? हम भी नहीं जानते, या तो फार्म पे होगा या मरियम के पास। वैसे मरियम कहाँ है, क्या वो अपने हनीमून पर है? वो उसे भी ढूंढ रहे। नहीं, अहमद ने शादी करते ही उसे फेंक दिया था, उसे एक दूसरा घर लेकर दिया है, उसे कोई नहीं ढूंढ सकता। उसके पास खजाना नहीं, इस बात का यकीन है मुझे। देखो जफर, तुम जरा मोहतात रहना,